Hello everyone, my name is Mohammed Saqib and I welcome you all on Let's Begin the Preparation. इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट टीचर की बहाली होने वाली है उसमें जो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके इंग्लिश के साथ साइंस और आपके ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट इस तीन पोर्शन को मैं लेके चलूंगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन के साथ में। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। और ये आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है तो इसको आप भी नोट्स बना लेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे। और इस सीरीज को हम लोग कॉन्टिन्यू करेंगे इसी तरह से करते हुए जिसमें कुछ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ साथ आपके जो 40 मार्क्स के हमारे दूसरे पोर्शन हैं उसके भी हम लोग क्वेश्चन को इसमें शामिल करते हुए इस सीरीज को एग्जाम तक कॉन्टिन्यू चलाएंगे ताकि हमारी एक बेहतर प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अगर आप मान के चलिए कि अगर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें आपके 75 नंबर आपके चले जा रहे हैं, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, तो आपको 52 के अप्रॉक्स नंबर आएंगे। तो इसी तरह से मैंने 150 का बताया, अगर 120 करेंगे तो और रेशियो आपका घट जाएगा। तो बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन को हमें आंसर करना है, किसको स्किप करना है, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो भी बीपीएससी अपने पीसीएस वाले प्रशासनिक अधिकारी वाले जो एग्ज़ाम लेते हैं उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस निकाले गए हैं, स्पेशली मैं 40 मार्क्स के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू कर देंगे इस वीडियो को। मैं थोड़ा सा पेज को सेटअप करते हुए आपको सिंगल पेज में कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको देख पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन की। नेम द फर्स्ट प्रिंटर, तो पहले प्रिंटर का नाम आपसे पूछ रहा है और ये कब आया था। तो पहला प्रिंटर का नाम आप याद रखेंगे विलियम कैक्सटन और ये 1476 में आया था। ये सब क्वेश्चंस आई होप कि आप सभी ने ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट बावजूद उसके जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसका रिविजन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो लंबे समय के लिए हमारे जहन में याद रह सकें। तो पहला प्रिंटर आप क्या याद रखेंगे, विलियम कैक्सटन, और ये कब आया था, 1476 में। उसके बाद हमारा ये दूसरा सवाल है नेम द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, जो पहली प्रिंटेड बुक थी उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो कौन थी। तो मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इसका और वन बाय वन इसका बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो पहली जो प्रिंटेड बुक थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय जो थी पहली प्रिंटेड बुक थी, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफिशियल वुमेन राइटर ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की प्रथम जो महिला राइटर थी उनका नाम आपसे पूछ रहा है। इनका नाम अल्फ्रा बेन था, तो बहन जी के नाम से इसको याद रख सकते हैं आप, ये अल्फ्रा बेन करके पहली जो इंग्लैंड की राइटर थी वुमेन राइटर उनका नाम क्या था, अल्फ्रा बेन था। हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट, तो पोएट्स पोएट किसको कहा गया है, ये आपके एडमंड स्पेंसर को कहा गया है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हु गॉट फर्स्ट पेंशन टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में पहली बार जो पेंशन मिली थी वो किसको मिली थी, किसी लिटरेचर में जिन्होंने काम किया था उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये बेन जॉनसन पहली बार पेंशन लेने वाले व्यक्ति थे, यानी जो ऑथर थे या पोएट थे आप कह सकते हैं। पोएट्स कॉर्नर क्या है, पोएट्स कॉर्नर जो है आपकी वेस्ट मिनिस्टर एबे में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जितने भी फेमस पोएट रहे हैं उनको मरणोपरांत यानी उसकी उनकी डेथ के बाद से उनको दफन किया गया है। जो क्रिश्चियनिटी में जो टर्म होते हैं इंसान की मृत्यु के बाद से जो उनका दाह संस्कार वगैरह वो लोग करते हैं, तो उस पार्टिकुलर स्थान को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर एबे कहते हैं और ये पोएट्स कॉर्नर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी फेमस पोएट्स रहे हैं इंक्लूडिंग जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर वगैरह, तो इन लोगों को वहीं पर दफन किया गया है। अब जो आपके चिल्ड्रन पोएट किसको कहा गया है, तो आपने 11th और 12th की आपकी जो SCERT की बुक है उसमें आपके वाटर डिलमर के का नाम है, उनका पब्लिकेशन है, तो चिल्ड्रन पोएट इनको कहा गया है। तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे मतलब बिहार में हम लोग कहते हैं कि ठेला मारते हैं, तो डेला मार से आप ढेला मार याद रख सकते हैं बच्चों से रिलेट करके, चिल्ड्रन पोएट वाटर डिलमर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह अगर होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप याद दिला दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जल्दीबाजी में लिखने के कारण या किसी और सोर्स से ऑडियो विजुअल इफेक्ट से आदमी जो है हम लोग लिखते हैं और पर हमारा ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो एटलीस्ट आप उसको अवॉइड करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। क्लासिकल पोएट किसको कहते हैं, T.S. एलियट को क्लासिकल पोएट कहा जाता है। मैं थोड़ी सी और स्क्रीन जूम कर लेता हूँ, यह इतनी ठीक है। उसके बाद जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहते हैं, आप जानते हैं।
उसके बाद हु रोट डिक्शनरी फर्स्ट, पहली बार डिक्शनरी को लिखा किसने था, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये सैमुअल जॉनसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका सन्स एंड लवर जो है फेमस नॉवेल है, ये किसने लिखा है ये आपसे पूछ रहा है, तो सन्स एंड लवर जो है आप याद रखेंगे डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंड इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड, तो किसी भी ट्रेजेडी में या ड्रामा में जब उसका खत्म होता है, जब वो एंड होता है, तो उस पार्टिकुलर टर्म को लिटरेरी टर्म में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारा जो एंड इन ट्रेजेडी है उसको हम कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। तो कैटास्ट्रॉफ को आप याद रखेंगे, किसी भी ड्रामा को या ट्रेजेडी का जब समापन होता है, तो वो आपका जब ऊपर से नीचे की तरफ उसका ढलान होता है, तो एंटी क्लाइमेक्स के तौर पे इसको आप याद रख सकते हैं, यानी एंड इन ट्रेजेडी वो क्या होती है, कैटास्ट्रॉफ होती है। पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, ये किसने कहा है, तो ये आपका डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कहा है। तो इसको आप डब्ल्यू एच ऑर्डन को याद रखेंगे, इन्होंने क्या कहा था, पोएट्री वाज अ सीरियस गेम। ओल्ड पोसम बुक आपकी किसने लिखी थी, तो ये आपके टी एस एलियट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, जॉन डन को किस तरह के कवि के नाम पे जाना जाता है, तो इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट, ये आप याद रखेंगे। रूपर्ट ब्रूक जो है इनको किस तरह के पोएट के तौर पे जाना जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहते हैं हम। अब वॉट वाइटमैन आपके जो पोएट रहे हैं इनको क्या कहा गया है, तो इनको पीपुल्स पोएट ऑफ अमेरिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बार्ड ऑफ अमेरिका किसको कहा गया है, तो बार्ड ऑफ अमेरिका आपका वॉट वाइटमैन को ही कहा गया है। इनको दो नाम दिया गया है जो मुख्यतः आपके लिए फेमस हो सकता है, एक तो क्या कहा गया है, पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, दूसरा आपका बार्ड ऑफ अमेरिका, किसको कहा गया है, वॉट वाइटमैन को कहा गया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि वन लाइनर है, मैं तेजी से बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये आप तभी आप याद रख पाएंगे जब आप इसको अपने नोटबुक में आप लिखेंगे और उसको रिवीजन करेंगे, तब ये आपके जहन में लंबे टाइम तक रहेगा और आप इसकी मदद से एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। विलियम सिडनी पोटर का पेन नेम क्या था, तो इनका ओ ओलिवर हेनरी, ओ हेनरी, ये भी आपके 9th 10th में पढ़ना है, शायद 11th 12th में, पनोरमा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। तो विलियम सिडनी पोटर का जो पेन नेम था ओलिवर हेनरी था, ये आप याद रखेंगे। ट्रेजेडी किंग के नाम से किसको जाना गया है, तो ट्रेजेडी किंग जो है आपके विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं, इसीलिए इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना गया है, जिसमें आपकी किंग लियर थी, ओथेलो थी, हैमलेट थी, तो इस तरह से आप विलियम शेक्सपियर को ट्रेजेडी किंग के नाम पे जान सकते हैं। और ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी जो आपकी किसी भी प्ले का एक दुखद जो अंत होता है, जो सुखद नहीं होता है, जिसमें दुख होता है, या तो उसका जो हीरो होता है वो मर जाता है, तो उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। अब शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो ये हैमलेट था, जो कि आपका 29,551 वर्ड्स में लिखा गया था, ये लाइन्स में, तो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले आप हैमलेट के तौर पे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका शेक्सपियर का पूछ रहा है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज, किस एज से ये ताल्लुक रखते हैं, बिलोंगिंगनेस क्या है इनकी, तो एलिजाबेथन एज से इनका वो बिलोंग करते थे, ये आपके शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज, तो एलिजाबेथन एज, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस ये एज रहा था, बहुत स्वर्णिम काल इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जब बहुत सारे कवियों को सम्मान मिला, तो आप एलिजाबेथन एज को एक स्वर्णिम युग के तौर पे याद रख सकते हैं। द कैंटरबेरी टेल्स किसने लिखी थी, तो ये जॉफरी चौसर के द्वारा लिखी गई है, इसको आप याद रखेंगे। पियर्स द प्लोमैन ये किसने लिखा था, तो विलियम लैंगलैंड ने इसको लिखा है, ये बहुत ही, ये सब क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, टम्बरलैंड जो आपकी तैमूर लंग जो आक्रमणकारी था उस पे लिखा है, किसने लिखा है, तो टम्बरलैंड जो लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। डॉक्टर फॉस्टस भी आपने लिखा है, किसने, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, ये आप याद रखेंगे, टम्बरलैंड और आपका डॉक्टर फॉस्टस। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो की जो भी जो इनके पब्लिकेशन या राइटिंग्स वगैरह बच गए हैं, ये हम ऑथरवाइज जब डिस्कशन करेंगे उस दौरान हम लोग देख लेंगे उसको। द मर्डर इन कैथेड्रल ये किसने लिखा है आपसे पूछ रहा है, द मर्डर इन कैथेड्रल आपके टी एस एलियट ने लिखा है। इन मेमोरियम किसने लिखा है, तो इन मेमोरियम जो है आपकी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा हुआ है, और आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे आपके इनके बारे में हम लोग आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे। सिल्वर बॉक्स और आपके स्ट्राइव ये किसने लिखा है, तो सिल्वर बॉक्स और आपके स्ट्राइव जो है आपकी जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है, इसको आप याद रखेंगे, इनकी ये फेमस जो है वर्क रहे हैं।
द रेप ऑफ द लॉक ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, द रेप ऑफ द लॉक। इसको आप याद रखेंगे, किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। एंग्री रिवर इज रिटन बाई, तो उसके अलावा जो कुछ इंडियन राइटर्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है उनको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के लिंक जो एक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें हमने इंडियन राइटर के कुछ फेमस वर्क रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो अभी एग्जाम में हमारे 40 to 45 डेज का अप्रॉक्स टाइम रिमेनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस हिसाब से तैयारी करें कि हमारे चारों पोर्शन, यानी क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश के साथ साथ जो आपके 40 नंबर वाले, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, आपके इंडियन नेशनल मोमेंट, और इसके आपके अलावा ज्योग्राफी और आपके साइंस और आपके मैथमेटिक्स, ये 5 सेक्शन से मिला के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ज़्यादा पोर्शन मैंने इस वीडियो में इंग्लिश का डाला है और बाकी जो है एक एक पेज में है। एनीवेज वो एक एक पेज के जो भी क्वेश्चन है वो आपके 20-20 क्वेश्चन एक पेज में मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आपके 60 क्वेश्चन सिर्फ आपके उसमें हो जाएंगे 40 नंबर वाले पोर्शन में। तो एंग्री रिवर हमने देखा किसने लिखा था, रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। शशि देशपांडे वॉन साहित्य अकाडमी फॉर, तो इनको साहित्य अकाडमी अवार्ड दिया गया था शशि देशपांडे को, किस लिए दिया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो आप याद रखेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, उसकी वजह से शशि देशपांडे को साहित्य अकाडमी अवार्ड से नवाजा गया था। द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो ये लाइन जो है आपके किसने कही थी, तो ये आपके एलसी नाइट्स ने कही थी। क्या होता है ना कि कई बार आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जब किसी यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप कहीं पे भी, आप किसी आपने कोई पेड कोर्स लिया है या जहां से भी आप पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि कई अगर आपको उसको बहुत दिन के बाद से जब आपके सामने वो आएगा, तो मेरे साथ में स्पेशली होता है ऐसा कि मैं भूल जाता हूँ उसको। तो इसको बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आजमाया है और मैंने लिखा है और उसको महसूस किया है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं एक दफ़े से किसी एक सोर्स से, मान लीजिए कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो ये आपने कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ लिया और उसके कुछ दिनों के बाद से आपने इसको देखा, तो हो सकता है भूल जाएं, पर इसको आप अपने नोटबुक में अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपके लंबे टाइम तक ये आपको याद रहने वाला है। तो इसको किसने कहा था, इस लाइन को एलसी नाइट्स ने कहा था, ये आप याद रखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, वो आपसे डेट वो पूछ रहा है किस सन में हुआ था, किस साल में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके ब्रोकआउट मतलब होना, किस सन में हुआ था, तो ये 1789 में ये आपका ब्रोकआउट हुआ था फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन थी। द ऑथर ऑफ टिंटेन्स एब्रे, तो ये आपके किसने लिखी थी, तो टिंटेन अभी आपके जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रीलॉर्ड इज द वर्क ऑफ, तो प्रीलॉर्ड जो है आपका किसका काम है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये भी लिखा गया है, इसको आप याद रखेंगे। सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। ये स्टेट 2019 में किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था आपका। हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो ड्राइडन को किसने कहा था इंग्लिश क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश क्रिटिसिज्म का पिता, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो इनको डॉक्टर जॉनसन को कहा गया था। सॉरी, यहाँ पे हु कॉल्ड ड्राइडन, ड्राइडन को किसने कहा था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो आपके डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। हु क्वाइंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये कुछ टर्म है कि आपसे एग्जाम में दे देगा अंडरलाइन करते हुए या ब्रैकेट इसमें इन्वर्टेड कमा में, और आपसे पूछ लेगा कि किसने इस पार्टिकुलर टर्म को या क्वाइन किया हुआ है, यानी किसने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपकी, ये विलियम जेम्स के द्वारा 1893 में आइडेंटिफाई किया गया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से आप विलियम जेम्स को याद रखेंगे, इसको अगर आप दोनों को ये 5-5 बार लिख लेंगे ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स, तो ऐसे करके आप अगर याद कर लेंगे, रटना नहीं है इसको, तो ये आपके दिमाग में जो है लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है आपका, किसने उसको आइडेंटिफाई किया था, किसने उसको इन्वेंट किया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपके T.S. एलियट ने इसको क्या किया था, क्वाइन किया था। अब ये T.S. एलियट के नाम से आपके ये तीन इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो क्वाइन किए गए हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, दूसरा आपका डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज है, और तीसरा आपका यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज है। तो ये तीनों टर्म आप याद रखेंगे, T.S. एलियट के द्वारा इसको क्वाइन किया गया था।
जॉन किट्स का एंड जो आपका एंडीमियन है वो किसको डेडिकेट किया गया था? तो जॉन किट्स एंडीमियन डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्टन को इन्होंने डेडिकेट किया था। व्हाट कॉज जॉन किट्स डेथ? तो जॉन किट्स की डेथ का कारण क्या था आपसे पूछ रहा है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे यानी टीबी के रोग से। द ऑथर ऑफ एसी ऑफ एलिया, तो ये थे आपका एसी ऑफ एलिया किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसकी चार्ल्स लैम ने इसको लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, तो जो प्रत्येक जो ग्रेट पोएट यानी एक महान कवि होते हैं वो एक शिक्षक होता है। ये किसने कहा था? तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। लिरिकल बैलेट्स अपियर्स इन, तो ये कब पब्लिश हुई थी ये आपको बताना है। तो लिरिकल बैलेट्स जो थी आपकी अपीयर हुई थी 1798 में। व्हेन डिड पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, तो पैराडाइज लॉस्ट जो आपकी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी इसको कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1667 का साल था जब इसको पब्लिश किया गया था। सोनेट्स इन सर फिलिप सिडनीस एस्ट्रोफेल ऑन स्टेल, ये कितने सोनेट्स इन्होंने लिखे थे, किसने? सर फिलिप सिडनी ने, जिसमें आपके एस्ट्रोफेल ऑन स्टेल के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये टोटल 108 इनके सोनेट थे, किनके? सर फिलिप सिडनीस के एस्ट्रोफेल ऑन स्टेल से। तो हुई इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, पहला इंग्लिश पोएट के नाम से किसको कंसिडर किया गया है, किसको माना गया है? तो इनका नाम है कैडमन। तो कैडमन के जो ऐसे पोएट थे जिनको पहली बार में फर्स्ट इंग्लिश पोएट के नाम से जाना गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं जो आपके लिए कंट्राडिक्टिव लगेंगे, आपको लगेगा मैंने उसका आंसर गलत बताया है, तो उसको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको पिन कर सकूं। हु इज द ऑथर ऑफ एक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो इसके आपके ऑथर पूछ रहा है एक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के ऑथर कौन थे, तो ये बीड के नाम से इनको आप याद रख सकते हैं। नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक, तो एंग्लो सैक्सन एपिक जो जब दौर था, जब एक एज था ये, जब शुरुआत हो रही थी हमारी इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लैंड इनफैक्ट इंग्लैंड के जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी, तो ये आपका नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका नाम था बीओवुल्फ, तो बीओवुल्फ को आप याद रखेंगे जो पहली बार में एंग्लो सैक्सन एपिक थी। द 100 ईयर्स ऑफ वार बिटवीन, तो 100 साल का वार हुआ, द 100 ईयर्स ऑफ वार ये एक टर्म है, इसको आप याद रखेंगे। 100 साल सदी का लगभग ये एक वार था, युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड एंड फ्रांस करके आप याद रखेंगे और 100 ईयर्स याद रखेंगे, ये आपके दिमाग में रह जाने वाला है परमानेंटली। इन विच ईयर द पीजेंट रिवॉल्व, तो पीजेंट का आपका जो रिवॉल्व हुआ था, आंदोलन हुआ था किसानों का, वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? ये आपका 1381 में हुआ था, 1381 वाज द ईयर व्हेन पीजेंट रिवॉल्व ब्रोक आउट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम, तो पहली बार में जो इंग्लिश पोएम क्वाइंड की गई थी, टर्म जो आपकी आई थी इंग्लिश पोएम पहली बार में, अर्लिएस्ट मतलब बहुत पहले की, सबसे पहले की, उसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो बीओवुल्फ इसको आप याद रखेंगे। ये अराउंड 700 टू 750 एडी इसको मतलब माना जाता है इसका काल। तो द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम जो है कौन सी है, आपकी बीओवुल्फ है। द मिडिल एज वॉज हेल्ड टू बिगेन इन इंग्लैंड, तो मिडिल एज कब आपकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से आप याद रखेंगे मिडिल एज जो आपके इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किसने इसको लेड किया था, किसने इसको आइडेंटिफाई किया था, किसने इसको लीड किया था इनफैक्ट? तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को आपको विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ये एक टर्म है, इसको आप एक व्यक्ति थे विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ये ड्यूक एक पद था उस दौर में, तो वहाँ के क्या थे वो नॉर्मैंडी के एक ड्यूक थे जिनका नाम विलियम था, और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने लेट किया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। द एलिजी रिटन बाय चौसर ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच, तो एक एलिजी इन्होंने लिखी थी जॉफ्री चौसर ने, किसकी डेथ पे, किसकी मृत्यु पे, ब्लैंचे के, तो उसका नाम था द बुक ऑफ द डचेस। तो द बुक ऑफ द डचेस एक एलिजी थी जिसको आप जॉफ्री चौसर ने लिखा हुआ था किसी के मृत्यु पे और उनका नाम था ब्लैंचे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। व्हेन डिड द जनरल प्रोलॉग of Canterbury Tales composed, तो Canterbury Tales का general prologue जो है आपका कब compose किया गया था, वो आपसे सन पूछ रहा है किस साल में, तो 1387 में, इसको आप याद रखेंगे। Who wrote
ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब। तो ये इसको किसने लिखा था? तो ये आपके जॉफी चौसर ने इसको भी लिखा था, ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब। कन्फेशो एमेंटिस इज द वर्क ऑफ, तो ये आपका कन्फेशियो एमेंटिस जो आपका वर्क है, ये आपका गौवर कर रहा है, जो इनके जॉफरी चौसर के कंटेम्पररी रहे हैं, समकालीन इनके रहे हैं। द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन, तो मैग्ना कार्टा जो है कब साइन किया गया था, ये 1500 कब हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, ये मैं भूल रहा हूँ अभी। इंग्लैंड वर्सेज फ्रांस 100 ईयर्स वार, तो ऑलरेडी हमने देखा है 100 साल का वार जो था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको देखा है कुछ देर पहले। तो इस टाइम पे किसके टाइम पे हुआ था, तो एडवर्ड थर्ड जो थे उनके टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स वार हुआ था। बिगनिंग ऑफ द रेनेसेंस इन इंग्लैंड, तो रेनेसेंस एज जो थी, जो पीरियड थी, उसकी शुरुआत आपसे पूछ रहा है इंग्लैंड में कब हुई थी। तो एंड ऑफ वार का, जब एंड ऑफ वार रोजेज जब हुआ था उस दौर में इसकी शुरुआत हुई थी। विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसेंस, तो इंग्लिश रेनेसेंस पीरियड की हाइट यानी बहुत उसका पीक, उसका जेनिथ आपसे पूछ रहा है कब हुआ था। तो ये जो ड्यूरेशन था वो 1550 से लेके 1600 के बीच में आप याद रख सकते हैं। 1550-1600 को आप क्या याद रखेंगे, द पीरियड विच इज कंसिडर्ड एज हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वर द डोमिनेंट आर्ट्स फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनेसेंस पीरियड, तो जो आर्ट्स यानी कला का एक रूप रहा है, एक फॉर्म रहा है, जो डोमिनेंट जिसको माना गया है बहुत मजबूती के साथ में इंग्लिश रेनेसेंस पीरियड में, वो कौन सा रहा है? तो लिटरेचर और म्यूजिक को डोमिनेंट आर्ट्स फॉर्म जो रहा है आपका इंग्लिश रेनेसेंस पीरियड में माना गया है। हु रोट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, तो ये किसने लिखा है, हु रोट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो लिखा है अपना विलियम सिडनी ने इसको लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। हु रोट द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन किसने लिखा है, तो ये एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हु रोट हीरो एंड लेंडर, ये किसने लिखा है, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु रोट डीडो क्वीन ऑफ कैथेज, तो ये किसने लिखा है, ये भी आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। किसने, किसके बारे में बात हो रही है, डीडो क्वीन ऑफ कैथेज, ये आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। उसके बाद आपका हीरो एंड लेंडर, ये भी आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, और फेरी क्वीन ये आपके एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। ये वीवीआई क्वेश्चन को आप वो कर सकते हैं, मान सकते हैं। हु पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो किसने पॉपुलराइज किया था, किसकी वजह से मशहूर हुआ था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नाम का टर्म, तो ये बेन जॉनसन जो थे उनके साथ में एक और उनके कंटेम्प्रेरी कवि रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो था टर्म को पॉपुलराइज किया था। हु रोट द बुक यूटोपिया, तो यूटोपिया बुक को किसने लिखा है, आपके थॉमस मोरे ने लिखा है, थॉमस मोरे के नाम से आप यूटोपिया बुक को याद रख सकते हैं। हु रोट द एसे ऑफ स्टडीज, किसने लिखा है द एसे ऑफ स्टडीज, तो ये लिखने वाले हैं फ्रांसिस बेकन। द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश्ड, किंग जेम्स का जो बाइबल वर्जन था वो कब पब्लिश हुआ था, ये सन था आपका 1611। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के, लगभग 60 क्वेश्चन मुझे लगता है, 60 से ज्यादा ही, 3-4 पेज हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पूछ रहा है आपसे सवाल कि किसके सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर कर दिया गया था, तो कौन सा लॉर्ड था उस टाइम में जिसके सुझाव पे भारतीयों को, इंडियंस को, साइमन कमीशन जो आया था उससे बाहर कर दिया गया था, तो ये आपका लॉर्ड जो था इरविन था, लॉर्ड इरविन के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर कर दिया गया था। अब डोमिनियल स्टेट की मांग किसने की थी, तो डोमिनियल स्टेटस की मांग, सॉरी स्टेटस की मांग जो की थी इन्होंने, सरतेज बहादुर शत्रु और आपका जयकर, ये दो नाम आप याद रखेंगे, सरतेज बहादुर शत्रु और जयकर, इन दोनों ने मिलकर के डोमिनियल स्टेटस की मांगी थी। तेमागा आंदोलन बंगाल से 1946 में किसने नेतृत्व किया, तो तेमागा आंदोलन जो था बंगाल में शुरुआत हुई थी, बंगाल से इसको किसने शुरुआत किया, 1946 में हुआ, और किसने इसको लीड किया, तो ये आपकी किसान सभा जो एज अ होल इसने बंगाल में तेभागा आंदोलन को 1946 में क्या किया था, लीड किया था। 1921 का मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी आपसे पूछ रहा है, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ये शाखा थी आपकी खिलाफत आंदोलन की। जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था, तो आप याद रखेंगे जलियांवाला बाग में जो गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू और आपका सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी का विद्रोह हो रहा था।
इनका नाम क्या है, सत्यपाल है या कुछ और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके बता देंगे। डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू के साथ किसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, और बैसाखी का वो दिन था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो बनाया था वो आपका डेट था 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर 1939 का वो डेट था जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये तो आप जानते हैं, पर ये कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बुलाया, तो वाटोली सत्याग्रह हो रहा था जो 1928 में इन्होंने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसके बाद से महात्मा गांधी ने इनको सरदार के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किसकी विफलता यानी किसके फेलियर के बाद से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो असहयोग आंदोलन जो था वो क्या हुआ था, उसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद से जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद से महात्मा गांधी ने नाराज होकर के असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, और उसके बाद से जो है आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और किसने की थी, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये आप इसको याद रखेंगे। हंटर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से हंटर कमीशन को लाया गया था जांच के लिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये आपकी 8 नवंबर 1927 को हुई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये इसको किसने लीड किया था, इसके फाउंडर कौन थे, तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन शुरू की थी, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुमागाटा मारू किस क्रांतिकारी घटना से संबंधित है, तो आपका कुमागाटा मारू जो है आपकी गदर पार्टी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है पहली बार में किस अधिवेशन में और कहां पे जो है आपका लाया गया था, तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो आपसे पूछ रहा सवाल कि कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके डॉक्टर रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन को लीड किया था 1907 में। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इलाहाबाद को आपातकालीन यानी इमरजेंसी के तौर पे इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया था, तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि किसने बनाया था, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम में। कांग्रेस सदस्यों द्वारा खादी वस्त्र अनिवार्य कब किया गया था, किस अधिवेशन में, तो गुवाहाटी अधिवेशन में, इसको आप याद रखेंगे। भारत में शिक्षित मध्यवर्ग ने क्या किया था, 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो भारत में जो शिक्षित मध्यवर्ग था यानी जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास वो था मिडिल क्लास था, तो उसने क्या किया था, विद्रोह से तटस्थता रखी थी यानी दूरी रखी थी, बहुत करीब नहीं थे, यही कारण था कि अगर ये लोग भी अगर इसमें वो होते इन्वॉल्व होते, उसके साथ साथ जो रीजनल जो टेरिटरी थी जहाँ के जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने अगर साथ दिया होता बहुत पूरी तरीके से, तो 1857 का जो विद्रोह था वो कामयाब हो जाता। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो उस टाइम में लॉर्ड कौन थे, इनफैक्ट ये पूछ रहा आपसे, तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के दौरान में हुई थी। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो इंडियन एसोसिएशन के नाम से आप याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की, ध्यान देंगे आप, भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, तो भारतीय मूल यानी कि जो थी आपकी वो आपके दिमाग में अगर वो आ रहा है क्या नाम है उनका, एनी बेसेंट, तो आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ये पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, तो भारतीय मूल की जरूर थी लेकिन वो विदेशी महिला अध्यक्ष थी, और कौन थी वो, नालिनी सेन गुप्ता, तो ये आप याद रखेंगे। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपके पामर्स्टन थे, ये आप याद रखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन थे। अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, तो इसको आप याद रखेंगे।
मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में हुई थी, तो उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछ रहा है। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था उस टाइम में पहली बार जो है मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हमने देख लिए क्वेश्चन जो 20 के अराउंड क्वेश्चन थे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अब हमारे 20-25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस से। तो पहला सवाल है आपका, और ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके पीसीएस वाले एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, ये पूछे गए हैं जो प्रशासनिक सेवा वाले एग्जाम होते हैं बीपीएससी के या अदर आपके यूपीपीएससी वगैरह के, वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल। जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर चूंकि बीपीएससी पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है तो फिर भी हमारे पास जो पीसीएस वाले एग्जाम, हमारी तैयारी अगर बड़ी रहेगी ना तो हमारे जो इस लेवल के एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाएंगे, पर ये इसका लेवल आसान नहीं रहने वाला है, ये आप डेफिनेटली याद रखेंगे। शुरुआत करते हैं साइंस सेक्शन की। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमेशा जो चुंबकीय मैग्नेटिक जो आपकी सुई होती है वो किस तरफ इशारा करती है, संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की तरफ करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो ये तंतु को गर्म करके। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट लगा था इस सवाल पे, क्या इसका सवाल ये इसका जवाब ये सही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ पे आप बताइएगा कि श्वेत प्रकाश जो होता है उसको नली में कैसे पैदा किया जाता है, क्या तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है या किसी और कारण से पैदा, किसी और जो मेथड से पैदा किया जाता है? आप बताइए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस वजह से मिला था और कब मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला प्रकाश विद्युत के प्रभाव की वजह से मिला और 1921 में मिला, इसको आप याद रखेंगे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना होता है, जो इसको जनरेट करना होता है, तो उसमें हम यूरेनियम की धातु का जो है उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाला लेंस, तो रीडिंग ग्लास जो है आपका वो कौन सा होता है? ये आपका उत्तल लेंस होता है, याद रखेंगे। रीडिंग ग्लास को उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो पावर हाउस है सेल का उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका माइटोकांड्रिया होता है, तो माइटोकांड्रिया के नाम से आप इसको याद रखेंगे। इनफैक्ट माइटोकांड्रियन दिया हुआ है यहाँ पे, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है आपको माइटोकांड्रियन आप याद रखेंगे। एड्स इज कॉज बाई, तो एड्स जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। तो कई बार क्या होता है ना कि जीवाणु और विषाणु में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे जो जो वायरस से कौन से डिजीज होते हैं और आपके बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होते हैं। मेजरिंग हाई टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर होता है, हाई टेम्परेचर, उसको कैसे मेजर किया जाता है, किस टूल से? तो पायरोमीटर एक यंत्र होता है जिसके कारण जो है हाई टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। ईयर इज मैक्सिमम ऑन, तो जो साल होता है, साल में जो दिन होते, इनफैक्ट साल जो होता है वो कितना किस पे मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा किस पे होता है? तो नेपच्यून जो आपका ग्रह है वहां पे आपका 166 साल, ईयर इज मैक्सिमम ऑन, तो नेपच्यून में 166 ईयर्स का आपका साल होता है। यानी अगर पृथ्वी पे एक साल हो रहा है तो यहाँ पे नेपच्यून पे 166 ईयर्स उसको लगेंगे तब हमारे पृथ्वी से वो उसका मुकाबला हो पाएगा। वर्षा की बूंद को की गोलाकार जो आकृति होती है उसका कारण क्या होता है? तो ये पृष्ठ का तनाव होता है, जो सरफेस का वो होता है, तनाव जो होता है उसकी वजह से बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं तो गोलाकार आकृति में हो जाती हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे इसको एक्सप्लेन करके। ईयर इज मैक्सिमम ऑन, ये 166 कैसे आया ये इसको आप याद बताएंगे मुझे। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? हमने देखा पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से हमारा क्या होता है, रेडियम प्राप्त होता है। अब बताइए नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू के खट्टा होने का या संतरा के खट्टा होने का कारण क्या है? तो इसमें जो है इस तरह के खट्टे जो फल होते हैं या उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण वो नींबू जो है खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, अमलगलम जो है आपका पारव धातु वो किसके साथ में वो करता है? तो ये किसका एलॉय है, इनफैक्ट तो ये मरकरी का के साथ में एलॉय करता है ये। द नॉर्मल टाइप ऑफ कोल, तो जो हम साधारण हमारे पास में जो कोयला देखने को मिलता है उसका नाम पूछ रहा आपसे, जो भी कोयला हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है।
तो ये आपका बिटुमिनस कोयला कोयला होता है, कोल मतलब कोयला, और बिटुमिनस कोयला जो आमतौर पे हमें देखने को मिलता है, पर जो हमारा रेयर कोल होता है ना, जो बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलता है और अच्छा माना जाता है, ये इसका नाम क्या है? तो ये आपका एंथ्रेसाइट होता है, ये एक कोल का टाइप है जो आपका रेयर होता है। तो नॉर्मल जो पूछेगा आपसे तो क्या याद रखेंगे आप? बिटुमिनस, और आपका रेयर पूछेगा तो आप क्या याद रखेंगे? एंथ्रेसाइट। ये दोनों आपके कोयले की टाइप हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये किसको आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है किसको कहा जाता है? तो आपका टॉर्टोइज जो होते हैं उनको आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत आते हैं? यानी मनुष्य के जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि 2 बार उसके दांत आते हैं? तो ये 20 टाइम्स होते हैं, लगभग 20 बार जो है उसके मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत आते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि 2 बार मतलब दांत आएगा उसका 2 बार, लेकिन कितने दांत आएंगे? तो 20 दांत आएंगे 2 बार में। तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां क्या होती हैं? वो उसमें 30 हड्डियां होती हैं, और वो अंदर से वो क्या होती हैं? खोखली होती हैं। तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां, नंबर ऑफ बोन्स आप याद रखेंगे, हड्डियां किसमें? पैरों में, तो 30, और वो अंदर से कैसी होंगी? खोखली होंगी। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत, कितने दांत आएंगे? तो 20 दांत आएंगे, ये आप याद रखेंगे। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 8 हड्डियां हैं यहाँ पे मानव खोपड़ी में। इंसुलिन किसे प्राप्त होता है? तो डहलिया एक फूल होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। मटर कैसा पौधा होता है? तो मटर एक शॉक होता है। विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन विकास का, डेवलपमेंट का मुख्य कारण है, कॉज है। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक इज कन्फर्म्ड बाई, तो पुराने से पुराना जो चट्टान होता है उसकी उम्र, उसकी एज कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो उस मेथड को KAR कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है कुछ ज्योग्राफी से। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। 3214 अगर आप उत्तर दक्षिण दक्षिण से पूछे आपका, तो 3214 रखेंगे। और अगर आपसे पूरब से पश्चिम की तरफ पूछेगा तो आप क्या याद रखेंगे? 2933। तो 2933 किलोमीटर आपकी पूरब से पश्चिम, और आपकी 3214 किलोमीटर जो है आपकी उत्तर से दक्षिण। तो उम्मीद है कि इस तरह के स्टैटिस्टिकल डेटा आपके दिमाग में जाएंगे और वो लंबे समय तक याद रखेंगे। पर मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इसको आप याद रख कर लेंगे, और आप इसको आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, ताकि लंबे समय तक ये आपको याद रहेगा। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास अगर आपसे सवाल आता है तो ये आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ये आपके अंडमान और जो द्वीप है, तो वहां पे दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास है। द्वीप एक द्वीप है, तो ये किस कहां पे द्वीप है? तो ये आपका गुजरात के तट पे द्वी नाम का एक द्वीप है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे द्वी कहाँ पे स्थित है, तो आपका सवाल का आंसर होना चाहिए गुजरात के तट पे। श्रीलंका को भारत से अलग करती है कौन सी आपकी जलसंधि है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो इसका नाम है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि याद रखेंगे, यानी पाक से आप याद रखेंगे श्रीलंका और भारत। भारत तथा चीन के बीच में सीमा रेखा जो है उसका नाम क्या है? तो मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं इसको, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है जो बांटती है, वो आपकी मैक मोहन रेखा है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, और कहाँ पे स्थित है ये? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी जो आपकी यांगसी या फिर यांगजी नदी है, और इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। हांगहो नदी, ये आपकी चीन का शोक, जैसे आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, वैसे ही हांगहो नदी जो है आपकी चीन का शोक कहा जाती है, और इसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि चीन में अगर बाढ़ आती है और बहुत तबाही होती है, तो किस नदी के कारण होता है? तो हांगहो नदी के कारण होता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी और यांगसी नदी, और इसकी लंबाई क्या है? 6300 किलोमीटर। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा गोदावरी। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये 1465 किलोमीटर है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और नदी का नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है? गोदावरी। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो है किस नदी घाटी पे स्थित है? तो ये आपकी गोदावरी नदी पे स्थित है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी तेलंगाना में स्थित है। महानदी पे बना बांध जो है
उसको किस नाम से जाना जाता है, तो महानदी पे हीराकुंड बांध जो है आपका बनाया गया है, और ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है, और ये सबसे लंबा बांध जो है भारत का, इनफैक्ट एशिया का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, भारत की सबसे ऊंची नदी का बांध। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे लंबा बांध, तो अगर आपसे पूछे तो हीराकुंड बांध, और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा नदी का बांध तो है जो है आपका, तो ये भाखड़ा बांध है। भाखड़ा कहाँ पे है, तो ये आपका सतलज नदी के किनारे। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे है, तो टिहरी एक बहुत खूबसूरत जगह है जो आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किन दो नदियों के संगम पे है टिहरी बांध है, तो ये भागीरथी और भिलंगाना, तो ये दो नदियों का नाम याद रखेंगे, दोनों भा से है, भागीरथी और भिलंगाना, इसके नदी के संगम की वजह से कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध है। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर आपसे इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो ये चिल्का झील है उड़ीसा में, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील यानी कि जो लैंडलॉक झील होती है, जमीन से जो घिरी होती है अंतःस्थलीय झील, लैंडलॉक झील, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सांभर झील, ये राजस्थान में है। तो खारे पानी की झील अगर इंडिया में पूछे और बिना अंतःस्थलीय लिखे हुए आए तो आप चिल्का भी झील लगाएंगे, अगर आपसे पूछ दे कि अंतःस्थलीय तो आप यहाँ पे राजस्थान का सांभर स्थान याद रखेंगे। भारत में कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पे हैं, समुद्र तट के टोटल किनारे पे जो इंडिया के राष्ट्र राज्य हैं उनकी संख्या जो है वो टोटल 9 राज्य हैं। तो पूछ दे अगर आपसे एग्जाम में कि इंडिया के कैसे इतने कौन से इतने स्टेट हैं जिनके जो तट है वो समुद्र रेखा से निकट है, उसके किनारे पे है, तो टोटल 9 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न जो है आपका पॉइंट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट का 3 और नाम है जिसके नाम से इसको जाना जाता है। पहला नाम है पार्सन, दूसरा नाम है ला हिंग चिंग, और तीसरा नाम है आपका पिगमेलियन पॉइंट। तो पार्सन, ला हिंग चिंग और पिगमेलियन पॉइंट ये आप याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बिंदु है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये रेड क्लिफ लाइन इसको कहते हैं। भारत के तट की लंबाई यानी एक तट से लेकर दूसरे तट तक अगर आप जाते हैं तो टोटल लंबाई आपसे पूछ रहा है कि कितनी लंबाई है, तो ये 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो ये भारत का जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, यानी कि भारत का स्थान जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितनी मील की दूरी पे है, तो ये 12 मील की दूरी पे है, इसको आप याद रखेंगे। समुद्र तल की दूरी, समुद्र का जो तट होता है वहां से दूरी जो है इसकी प्रादेशिक जल सीमा की कितनी है, 12 मील है। और भारत का संलग्न क्षेत्र, अगर आपसे जल सीमा समुद्र तट से पूछे तो 12 मील, और आपसे पूछे संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितनी दूरी है, तो ये भी आपका 12 मील है, दोनों आप याद रखेंगे। संलग्न में भी आपका 12 मील हो जाएगा, और प्रादेशिक में भी आपका जो है प्रादेशिक सीमा किससे, समुद्र तट से, तो दोनों में आपका 12 मील हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए आज के, देखें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे इंग्लिश के, इंटरनेशनल मूवमेंट के, साइंस के, और आपके ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स और आपके मैथमेटिक्स, तो आपका कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लूंगा, बट कोशिश रहेगी करंट अफेयर्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो भी इसको शामिल किया जाए, और इस सीरीज को हम लोग एग्जाम पे कंटिन्यू करें। वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे मुझे, चैनल पर पहली बार अगर कोई विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, मिलेंगे हम लोग कल से, मेरी कोशिश रहेगी कल दोबारा से मैं लौटूं एक नए वीडियो के साथ में। तो अभी के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।